तो हम लोग ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है कि हम लोग डायरेक्टली जाके ओपन करना है, राइट क्लिक करके फिर सेलेक्ट ओपन। सो पहला जो चीज़ ऑटोकैड में ओपन करने के बाद जो करना चाहिए, पहले आपको विंडोज आएगा दो तीन, सो पहले इसको क्लोज करना है। ओके, फिर जब क्लोज करने बाद आपको पूरा एक डिटेल ड्राइंग व्यू दिखेगा आपको, ठीक है। सो ये जो अभी जो ऑटोकैड का जो ये एरिया है उसको हम लोग ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के पेज के ऊपर से जानते हैं। मतलब ड्राफ्टिंग मतलब 2D का जो डिज़ाइन रहता है, सब 2D डिज़ाइन इसी ड्राफ्टिंग के पेज के ऊपर रहता है। सो ये टाइप्स रहता है, ठीक है, ये टाइप्स रहता है, ये 3D बेसिक्स रहता है, 3D मॉडलिंग रहता है, ऑटोकैड क्लासिक रहता है, ये सब टाइप्स है। ऑटोकैड क्लासिक का मतलब है कि आपको चेंज हो जाएगा, देखो टूल्स आपको, ये खाली कंपनीज में जहाँ पे जो डोमेन यूज़ करते हैं तब उनको काम आता है, हम लोग को नॉर्मली क्या काम आता है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन काम आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी ड्राफ्टिंग एनोटेशन में हम लोग मैक्सिमम कंपनी जो यूज़ करते हैं वो यहाँ पे यहाँ से लाइन यहाँ पे जो टूल्स रहता है वो टूल सेलेक्ट नहीं करते, डायरेक्टली टूल हम लोग को यहाँ पे इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोल के बोलते हैं इसे, ठीक है, ये बार को कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये कमांड प्रॉम्प्ट मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी टूल चाहिए हम लोग यहाँ पे अगर सिलेक्ट कर देंगे तो वो टूल का पहला और दूसरा या तीसरा लेटर कुछ तो भी है, फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर, कोई भी ये लेटर्स का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेटर यूज़ किए तो वो लेटर हम लोग को वो टूल आ जाएगा लेटर के हिसाब से, ठीक है। सो मैं ये क्लोज कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो आपको स्टार्टिंग में ये करना है कि आप ऑटोकैड आइकॉन में जाएं, जाने के बाद यहाँ पे न्यू क्लिक करें। सो न्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये इससे पहले बना हुआ था ये सब शीट्स, ठीक है, ये सब मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ACAD मतलब ऑटोकैड, ACAD का मतलब है ऑटोकैड 2D, और ACAD 3D का आपको मालूम है, जैसे 3D में काम होता है। सो खाली ACAD क्लिक करके यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करना है यहाँ पे ओपन, हम लोग सो फिर से वही सेम टूल बार आएगा, ठीक है। सो ये पूरा रिबन बार है यहाँ पे, सो पहला वाला हम लोग ड्राइंग टूल बार बोलते पूरा मतलब ड्रॉ करने की चीज़, ठीक है। नेक्स्ट टूल बार मॉडिफाई टूल बार्स जो मूव कॉपी स्ट्रेच रोटेट मिरर स्केल ट्रिम फिलेट एरेस, ये मॉडिफाई मतलब जो चीज़ हम लोग बनाएंगे उसको मॉडिफाई करने के लिए ये टूल बार हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल है उसका एक कॉर्नर कट करना है तो हम लोग यहाँ पे हम लोग फिलेट और चाम्फर लेके यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे चाम्फर बोल के रहता है। नेक्स्ट लेयर्स, सो ये लेयर्स हम लोग को क्या है, ये आपको लेयर्स का बहुत बड़ा टॉपिक आता है, और ये लेयर्स का मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है, आपको सेंड कर दूंगा। सो टेक्स्ट का भी वीडियो है, ब्लॉक का भी वीडियो है, प्रॉपर्टीज का भी है, ग्रुप्स का भी है, ठीक है, यूटिलिटी ये सब उतना भी जरूरत नहीं पड़ता, छोड़ो। नेक्स्ट देखो ऑटोकैड ओपन करने के बाद पहला चीज़ जो करना चाहिए, इसका फुल स्क्रीन मेन्यू भी रहता है, ठीक है, फुल स्क्रीन मेन्यू रहता है, या फिर इसको डबल क्लिक करो। ओके, फुल स्क्रीन मेनू जैसे रहता है, तो क्योंकि हम लोग को ऊपर हम लोग को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। सो हम लोग को ये चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हम लोग को थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो जाएगा, थोड़ा देखने के लिए इजी हो जाएगा। सो पहला हम लोग ये करते हैं कि इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ होम ऑप्शन को, ठीक है। सो कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं आया, फिर से क्लिक करो, ठीक है, फिर से ट्राई करो, ठीक है, फुल 3D में आ गया एक बार, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आना है देखो, सो पहला चीज़ ऑटोकैड ओपन करने से कोई भी चीज़ एक लाइन सर्किल कुछ भी ड्रॉ करने से पहले पहला चीज़ ये करना है कि आपको यूनिट सेटअप कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, या MM में हो सकता है, फीट में हो सकता है, इंचेस में हो सकता है, ठीक है। यूनिट का शॉर्ट फॉर्म आता है कि UN, ठीक है, हम लोग को ये कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे UN क्लिक करना है, यूनिट्स बोल के आएगा यहाँ पे, देखो यूनिट्स सिंपली देखो फिर से बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करके UN एंटर दबाना है, ठीक है। UN एंटर दबाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये डेसिमल्स को छोड़ दो, ठीक है, तो आपको अगर सिविल है तो यहाँ पे इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर क्लिक करना है, नहीं तो डेसिमल पे छोड़ दो ये। अब प्रिसीशन मतलब आपको कितना प्रिसीशन का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे फॉर 10 चाहिए तो 1.0 हो जाएगा, 10.0 मतलब अब जीरो मतलब सिंगल डिजिट, सो हमेशा क्या है 0.00 पे सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, इसके होने के बाद फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन स्केल आता है, इंचेस में आएगा, ये इंचेस को निकाल के हम लोग को मिलीमीटर्स में रखना है, मैकेनिकल हम लोग मिलीमीटर्स भी यूज़ करते हैं, नहीं तो
सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, तो मिलीमीटर्स मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, क्लिक करके सिंपली ओके क्लिक करना है। अभी आपका हर एक लाइन एमएम के ऊपर ही आएगा, ठीक है। सो देखो, सो ये सब ग्रिड लाइंस है जो आपको जैसे चाहिए, सो आपको F1 से लेके F12 तक सब ऑप्शन यहीं पर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो इंटर कंस्टेंट कंट्रोल, ओके F9 का ऑप्शन है F, ठीक है। यहाँ पे मैं F फंक्शंस का दिखा था आपको, F1 क्लिक करने से, सो आपका अगर लैपटॉप है तो FN जो कंट्रोल के बाजू में FN का बटन है, FN दबाने के बाद ही F1 क्लिक करना, तभी उसका ऑप्शन आएगा। ये क्या है हेल्प, F1 का मतलब है हेल्प, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लमेटिक चाहिए। आपका अगर ऑटो कैड ओरिजिनल बिना क्रैक का है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर F2 FN क्लिक करके फिर F2 क्लिक दबाना, ओके। F2 का मतलब है कि प्रीवियस कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब इससे पहले आपने जो जो भी कमांड यूज़ किया है वो पूरा F2 के अंदर आ जाएगा, ओके। पूरा नोट कर लो, F1 F2 ऐसे कुछ, ठीक है। सो ये आपको क्यों दिखेगा बोल के, आप फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, वो कंपनी में एक प्रोडक्ट दिया है आपको बनाने के लिए, आप 3-4 बार मिस्टेक कर करके आप अगर वो प्रोडक्ट बनाए तो उन लोग अगर सिंपली आके F2 दबा देंगे तो आपको पूरा आपको अपने जो जो मिस्टेक्स किए, जितने सारे डिलीट ऑप्शन किया, लाइन ऑप्शन किए, सब लिस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब भी आप परफेक्ट नहीं हो बोलेंगे, तो इसलिए हम लोग ऑटो में क्या करना, स्टार्टिंग से ही ध्यान से वही 1 बाय 1 इसको आप इरेज नहीं कर सकते हो F2, तो ठीक है। अब जो भी लाइन लोगे, सर्किल देखो यहाँ पे यूनिट्स आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, देखो एल एंटर, ओके एग्जिट। अभी यही चीज मैं FN क्लिक करके F2 क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, लाइन, फिर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, देखो हर हर एक मूवमेंट का ये रिकॉर्ड करता है, ठीक है, ये हर एक मूवमेंट का ऊपर रिकॉर्ड करता है, ठीक है। छोड़, नेक्स्ट देखो, आप कैंसिल क्लिक किया तो भी आता, स्पेस बार क्लिक किए थे, देखो ठीक है, ठीक है। F3 आके, ओके FN प्लस F3, क्योंकि लैपटॉप का बटन कभी काम नहीं करता। देखो ओ स्नैप ऑफ ऑब्जेक्ट स्नैप, इसका मतलब आपके कोई भी टारगेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन लिया है, ठीक है, देखो ये लाइन में, ये लाइन का कोने में लेना चाहता हूँ पर यहाँ पे आ नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ पकड़ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे ट्राई करो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप बंद कर दिया। स्नैप मतलब कोई भी चीज़ को ऑटोमेटिकली खींच लेना, यहाँ पे एक पॉइंट है ना, यहाँ पे खींच लेगा ऑलरेडी, तो अभी नहीं आ रहा है, देखो कहीं पर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। सो मैं एग्जिट करता हूँ, अभी मैं FN क्लिक करके, मतलब बटन दबा के फिर F3 क्लिक करता हूँ, देखो सो यहाँ पे क्या आया, ओ स्नैप ऑन आया, देखो अभी एल एंटर आया ना, देखो अभी एंड पॉइंट का दिख रहा है, ये चीज का मिड पॉइंट आएगा, ये एंगुलर है ना इसलिए मिड पॉइंट नहीं दिख रहा है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर आएगा, मतलब कोई भी चीज हम लोग को अट्रैक्ट करने के लिए, ये देखो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, वो F3 में आएगा। नेक्स्ट FN F4, ये 3D के लिए यूज होता है F4 जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट F5 आइसोप्लेन टॉप, ये भी आपको 2D में जरूरत नहीं था, F6 भी जरूरत नहीं होता, F7 देखो, ठीक है। सो F2 हम लोग सिलेक्ट करते ही क्या आया, ग्रिड ऑफ है, मतलब पीछे का जो लाइंस लाइंस रहता है ना, जो ग्रिड रहता है वो ऑफ हो जाता है। देखो मैं इसको फिर से ऑन कर रहा हूँ F7 क्लिक करके, ठीक है, ग्रिड आ गया, ओके। नेक्स्ट F8, सो F8 आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा, जो लाइन हम लोग को स्ट्रेट लेना चाहिए वो स्ट्रेट आएगा एकदम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ, देखो ये लाइन को मैं ऊपर ले सकता हूँ, नीचे ले सकता हूँ, थोड़ा एंगुलर, ठीक है, ये वाला स्ट्रेट है, या फिर ऊपर या फिर नीचे, कहीं तो भी घुमा सकते इसको, ठीक है। ये लाइन को हम लोग एग्जैक्टली 90 डिग्रीज या फिर 180 डिग्रीज में स्ट्रेट चाहिए मुझे, एकदम 100% स्ट्रेट चाहिए, तब हम लोग क्या करना, F8 क्लिक करना,
ठीक है देखो, ऑर्थो ऑन इफेक्ट का मतलब है कोई भी लाइन को स्ट्रेट या फिर वन डायरेक्शन या फिर टू डायरेक्शन, ये दूसरी डायरेक्शन में नहीं घूमेगा। ये देखो एकदम स्ट्रेट आएगा, एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट आएगा, सब लाइन एग्जैक्ट स्ट्रेट आएगा। बाई चांस थोड़ा एक एक दो बेंड आ सकता है अगर जल्दी जल्दी ले लिए तो, पर मैक्सिमम आपको स्ट्रेट ही आ जाएगा। मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ, देखो फिर इफेक्ट ऑफ किया, आप कोई भी एंगल से ले सकते थे, ये स्ट्रेट नहीं आएगा। ओके तो F9 आपको उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, F9 F10 देखिए फिर से, F9 स्नैप ऑन स्नैप ऑफ ज़रूरत नहीं होता। ओके एस F10 F11, सो आपको F11 जो F3 का फंक्शन जो बोला है वो F11 भी सेम ही आता है, इसका मतलब आइसो औरतों का आता है, मतलब जो आपको पॉइंट्स जो नहीं आ रहा था ना, फिर क्लिक करते हैं F3 का ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ, फिर से मैं ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर रहा हूँ, F3 ऑन हो गया। ठीक है यही चीज़ आप अगर F12 में करोगे, ठीक है F2 में किए तो आपको कोई भी एक लाइन लोगे तो वो लाइन का जितना एंगल हो रहा है कितना लेंथ आ रहा है उसका डिटेल्स आपको आ जाएगा। ठीक है मैं यहाँ पे वो स्नैप ऑन किया, देखो फॉर लाइन ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया है, फिर ये कितना लेंथ ले रहा हूँ ये ऑटोकैड बता नहीं रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेंथ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को लेंथ और कितना एंगुलर में ले रहे हैं उसका डिटेल्स आना है, तो आपको Fn दबा के F12 क्लिक करना है, F12। ठीक है देखो कितना लेंथ आया, 10 mm आया, देखो ये 9 mm 7 mm 6 mm कितना डिग्रीज भी 357, देखो जितना डिग्रीज आएगा आपको डिग्रीज भी दिख जाएगा आपको। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट आपको कौन सा भी एंगल में घुमाओगे तो वो सभी एंगल का ठीक है सभी एंगल बता देगा, वो कितना लेंथ आ रहा है वो भी बता देगा। ये जब लेना है जब आपको अगर फर्स्ट से सेकंड पॉइंट आपको मालूम हो तो अब ये F12 का ले सकते हैं, ये थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि दो तीन डिटेल्स इसमें आ जाएगा, अगर इसको ऑफ कर दिया तो फिर से F12 ही दबाना फिर ऑफ हो जाएगा। देखो ये रहा फंक्शन कीज कंट्रोल Z, ठीक है इसको पूरा सेलेक्ट करके हम लोग डिलीट कर सकते हैं, चला जाएगा। ठीक है अभी कंट्रोल कीज देखो, कंट्रोल कीज पहला तो आता है कंट्रोल Z। ओके अब ऑलरेडी क्रियो तो सीखे हो ना, सो कंट्रोल Z पीछे चला जाता है, जो भी हम लोग चीज चलाया वो पीछे चला जाता है, और कंट्रोल Y सामने आ जाता है फिर से। ओके कंट्रोल S सेव के लिए, ओके कंट्रोल्स प्लस शिफ्ट प्लस एस, ओके सेव एस के लिए, मतलब फाइल कन्वर्शन के लिए। ठीक है सो नेक्स्ट, सो ये था हम लोग को बेसिक बेसिक जो लैपटॉप एक सॉफ्टवेयर रहना चाहिए बेसिक है। तो ये जो चीज़ है आप लोग को अभी 2D में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब 3D में जब जाएंगे तब 3D में ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है मैं भी 3D में अभी कंटिन्यू करता हूँ उसमें। ठीक है सो इसमें देखो ऑब्जेक्ट स्नैप का सेपरेट एक टूल रहता है, मैं वही टूल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैंने लाइन लिया है, ठीक है तो लाइन मुझे Fn दबा के फिर F3 दबाया मैंने, F3 ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर रहा हूँ, एल एंटर फिर भी एंगुलर आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओके सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Fn क्लिक करके इफेक्ट क्लिक कर रहा हूँ, ओके लाइन वो स्ट्रेट आ गया। ठीक है और मैं यहाँ पे सर्किल ले रहा हूँ, सर्किल का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे क्लिक करके सी एंटर सर्किल आ जाएगा। ठीक है देखो यहाँ पे सर्किल लिया, ठीक है अब यहाँ पे देखो एल एंटर, अब सर्किल का कॉर्नर में देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट आएगा चार, ठीक है एक पॉइंट यहाँ पे ऊपर जैसे घड़ी है 12, ये 3 और ये 6 और ये 9, चार क्वाड्रेंट आएगा,
और बाकी का नियरेस्ट वैल्यू होगा, मतलब आप एग्जैक्टली ये पॉइंट अगर दूर थोड़ा दूर खींचोगे तो भी वो सर्किल के ऊपर से ही आएगा, देखो ठीक है। सो इसमें क्या है कि मैं फिर से लाइन एंटर क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे सेंटर पॉइंट भी आ रहा है सब कुछ, ये लाइन का ये बीच का सेंटर पॉइंट भी आएगा, ये देखो यहाँ पे, देखो ये लाइन ये टोटल लाइन का यहाँ पे मिड पॉइंट का कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ पे एंड पॉइंट का बता रहा है, यहाँ पे एंड पॉइंट का बता रहा है, पर ये लाइन का मिड पॉइंट का नहीं बता रहा है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में ऑफ है ये चीज़, ठीक है। सो आपको यहाँ पे टाइप क्या करना है, एस्केप क्लिक करके, एस्केप क्लिक करेगा तो वो टूल चला जाएगा। सो ये मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप OSN, ठीक है OSN और सिलेक्ट करो एंटर, ठीक है OSN एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे कितना आया, ऑब्जेक्ट स्नैप F3 जो हमने F3 दबाया था, और ऑब्जेक्ट स्नैप F11 जो हमें F11 दबाया था, इसको भी ऑन करना है। और यहाँ पे देखो एंड पॉइंट का हम लोग को यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे एक एंड पॉइंट था, यहाँ पे एक एंड पॉइंट था, और यहाँ पे देखो मिड पॉइंट नहीं था, यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है मिड पॉइंट, तभी तो हम लोग को ये लाइन का हम लोग मिड पॉइंट नहीं आया। पर देखो मैं यहाँ पे एंड पॉइंट निकाल दे रहा हूँ, सेंटर निकाल दे रहा हूँ, मतलब सर्किल का सेंटर का नहीं आएगा अभी देखो, ओके ये हिडन रहता है आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ एल एंटर, देखो साइड का आ रहा है, क्वाड्रेंट आ रहा है, बस सेंटर पॉइंट का नहीं आ रहा, देखो वो भी क्वाड्रेंट को बेस लेके आ रहा है, फिर क्वाड्रेंट ऑफ कर दूंगा तो सर्किल का कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन बता रहा है पर वो एंड पॉइंट नहीं बता रहा है। सो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे OSN एंटर दबा के सब, एक्चुअली सब चीज़ ऑन रहना चाहिए, एक साथ सब चीज़ ऑन है देन सेलेक्ट ओके। अभी देखो मैं यहाँ पे एक लाइन लूँगा एल एंटर, फिर देखो यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ जाएगा और ये एंड पॉइंट आ जाएगा, देखो आया इस चीज़ का मिडिल पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट देखा, वहाँ पे अगर सिलेक्टर नहीं रहेंगे तो नहीं आएगा, यहाँ पे सिलेक्टर रहेगा तो आएगा। सो यहाँ पे एंड पॉइंट, यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे पॉइंट्स रहेगा, ठीक है। सो मैं आपको थोड़े टूल्स बता देता हूँ, एल एंटर का मतलब लाइन है। सो लाइन का पहला पॉइंट हम लोग ले लिया, ठीक है अब दूसरा पॉइंट हम लोग को 10 सेंटीमीटर के बाद जाके रुक जाना है, पर 10 सेंटीमीटर कितना है हम लोग पता नहीं। पर ऑटोकैड में क्या है, देखो जब मैं लाइन लिया, जब पहला पॉइंट जो शुरू किया ना, तो पहला पॉइंट जो शुरू किया मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, और मुझे 10 एमएम का लाइन चाहिए, सिंपली फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद 10 टाइप करना बस, ठीक है। देखो यहाँ पे एक लाइट आएगा, सो ये आपको दूसरे माउस अगर आप दूसरे डायरेक्शन में ले जाओगे तो 10 एमएम का, ये 10 एमएम का डिस्टेंस ही है, ठीक है। मुझे ऊपर 20 एमएम चाहिए, देखो ऊपर की तरफ माउस खाली दिखाना है उसको, माउस खाली क्या है वे दिखाना है चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये 20 एमएम दिखा रहा हूँ, देखो 20 एमएम जाके वहाँ पे रुक जाएगा, फिर अब फिर लेफ्ट साइड लेके फिर मुझे 10 एमएम लेना है, 10 एमएम लेके फिर जो लास्ट में जो पॉइंट रहता है ना, वो आपको सी एंटर करने के बाद भी क्लोज हो सकता है, नहीं तो नॉर्मल भी ऐसे क्लोज कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और कोई भी टूल अब आप अगर यहाँ पे ले लिए ना, वो टूल अगर फिर से चाहिए तो आप स्पेस बार क्लिक किए तो वो टूल फिर से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे एल एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन लिया हो गया, एस्केप कर दिया चला गया, फिर से मुझे एल एंटर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से स्पेस बार क्लिक किए तो हो जाएगा, देखो लाइन आ गया, ठीक है। तो ये आज का क्लास है, ये थोड़ा बेसिक्स से देखो, मैं कल लाइन से लेके जो जो भी क्लास ऑटोकैड में नहीं है वो स्टार्टिंग में आपको पूरा लाइन से लेके पूरा 3-4 जो भी टूल्स है पूरा मैं बता देता हूँ, ठीक है।